आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है और ये आपके बसंत पाठ तीन से लिया गया है, पाठ तीन का है, जो कि आपकी पुस्तक का नाम है बसंत। तो पाठ में लेखक ने कहा है कि ये लोग पांच मित्र थे जो शाम को 4 बजे की बस से पन्ना के लिए, वो पन्ना से इसी कंपनी की बस से सतना के लिए जाने वाले थे और 1 घंटे के बाद ये मिलती थी, जो कि जब ये सतना पहुँचे वहाँ से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाती थी। तो सुबह जब इनको लगा कि सुबह सुबह घर पहुँच जाएंगे, तो इनमें से दो को जो है और आगे जाना था, सुबह ही ऑफिस के लिए वापस हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यही बस सही है। लेकिन लोगों ने इनको सलाह दी कि ये बस जो है कोई भी आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि रास्ते में, तो पूछा कि क्या कोई रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो कहा नहीं, ये बस खुद ही एक डाकिन है। डाकिन मतलब जो लोगों को खा जाती है। तो बस को देखा तो लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ गए, क्योंकि बहुत वयोवृद्ध बूढ़ी सी हो चली थी, तो सदियों के लग रहा था जैसे बहुत अनुभवी हो, सदियों के अनुभव के निशान, बहुत एक्सपीरियंस। तो लोग इसलिए इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धा में इसे कष्ट होगा, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। तो यह बस जो है, लेखक कह रहे हैं कि बस जो है पूजा करने के योग्य थी, और उस पर सवार कैसे हो सकते हैं। और बस के कंपनी के हिस्सेदार थे, वो भी इसी बस से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई ये बस चलती भी है क्या। तो बस के मालिक ने कहा हाँ, क्यों नहीं चलती है, अभी देखिए कैसे चलेगी। तो इन्होंने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप भी ये बस कैसे चलती है। तो बोला हाँ देखिए। तो बोले गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। तो उन्होंने आगा पीछा करने, वो आगे पीछे उसको देखने लग गए। तो उनके एक डॉक्टर मित्र थे, कहा डरो मत, बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस है, और जो नई नवेली बस होती है उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, और ये बस हमको अपने बेटों की तरह लेकर जाएगी। बोलते हैं बस में अगर हम जाएंगे तो ये हमें बेटों की तरह लेकर जाएगी, क्योंकि बूढ़ी है। तो बोले कि वो लोग बैठ गए उस पर, बोले ठीक है बैठ जाते हैं, बैठ गए। तो जो छोड़ने के लिए आए थे वो उनको ऐसे देख रहे थे जैसे शायद उनको अंतिम विदाई दे रहे हों और कभी नहीं मिल पाएंगे। उनकी आँखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, और जो आया है वो एक दिन जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। तो आदमी को कुछ करने के लिए, जब आदमी की मृत्यु होती है तो एक निमित्त होना चाहिए कि वो कैसे मरा, क्यों मरा। आप लोग देखिए, हम बोलते हैं कि कुछ लोग एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमारी से, तो वो एक तरह का निमित्त मात्र होता है, जरिया। तो अब इंजन स्टार्ट हो गया, और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि बस ही इंजन के अंदर है, हम सब इंजन के अंदर बैठे हैं। ये एक हास्यपद कहानी है, ठीक है। तो कांच भी बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात जो बचे थे, इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ बाकी इन लोगों को उनसे बचना था। तो ये फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, तो इनको लग रहा था कि इनकी सीट के नीचे ही इंजन है। और बस सचमुच चल पड़ी, तो इनको लगा कि ये जैसे गांधी जी ने जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त, ये जरूर उस समय जवान रही होगी, तो उस आंदोलन में इसको बहुत ट्रेनिंग मिल चुकी है कैसे चलना है, क्योंकि बस का जो हिस्सा है वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, कोई किसी के साथ नहीं था। तो पूरी बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी जो है वो असहयोग चल रहा था, कभी सीट बॉडी से अलग थी तो कभी बॉडी उससे अलग निकल रही थी, और कभी लगता था छोड़कर, बॉडी सीट को छोड़कर आगे भाग रही है। तो 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव ही मिल गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि लेखक लोग सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। अचानक से क्या देखा गया कि बस जो है एकाएक रुक गई, जैसे मालूम हुआ कि, फिर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लग गया। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, तो उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ जो है बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब बस की रफ्तार जो है 15-20 मील प्रति घंटे के हिसाब से वो चलने लगी। तो अब इनको
लेखक को किसी भी हिस्से पर भरोसा और नहीं था, तो लगता था कभी स्टीयरिंग टूट जाएगी या चक्का पंचर हो जाएगा। और प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत ही लुभावने थे, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, और हर एक पेड़ को लेखक अपना दुश्मन समझ रहे थे। माने जो भी पेड़ आता तो इनको डर लगता है कहीं बस उससे टकरा न जाए, तो वह निकल जाते तो दूसरा पेड़ इंतजार कर रहा होता। झील दिखती तो लगता कि बस शायद इसी में ही गिर जाएगी। अचानक बस रुक गई, ड्राइवर बहुत तरह तरह की तरकीबें किया लेकिन वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के जो हिस्सेदार थे कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये इत्तेफाक की बातें कभी कभी खराब हो जाती है रास्ते में। अब चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस पड़ी दयनीय सी लग रही थी, लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थककर बैठ गई हो। इनको दुख भी लग रहा था कि हम इस बेचारी पर लतकर क्यों आए हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब बस का अगर प्राणांत हो गया तो इस जंगल में ही इसका अंत्येष्टि माने अंतिम क्रिया करना पड़ेगा। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और फिर उसे थोड़ा ठीक ठाक किया तो बस आगे चली। अब उसकी चाल जो है और भी कम हो गई थी, पहले की अपेक्षा चाल में और भी कमी आ गई थी। अब धीरे धीरे उस वृद्धा बूढ़ी की आँखें की ज्योति जो थी माने सामने की जो हेडलाइट वो भी जाने लग गई, वो भी ख़त्म हो गई, मतलब पूरा हेडलाइट ही बंद हो गया। तो अब चांदनी में वो रास्ता टटोल कर बस रेंग रही थी, मतलब चांदनी रात थी इसलिए रास्ता धीरे धीरे, पीछे से अगर कोई गाड़ी आती उसको दिखाई देती थी तो एकदम साइड में खड़ी हो जाती, कहती कि निकल जाओ बेटी तुम पहले, मेरी तो उम्र ही नहीं रही। माने ये एक व्यंग्यात्मक है, इसी के लिए लेखक उनको इस तरह से कह रहे हैं। तो एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस से करके बैठ गया, मतलब पंचर हो गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गया। अगर थोड़ी सी स्पीड होती तो ये लोग पूरा उस नाले में ही गिर जाते। और कंपनी के हिस्सेदार की तरफ ये पहली बार श्रद्धा भाव से लेखक ने देखा और मन मन में सोचा कि आपको टायरों की हालत पता है कि क्या हाल है, फिर भी आप जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हो। और उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, माने इस तरह की भावना जो है वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान जो भावना का है यही उपयोग नहीं हो रहा है, तो कहा कि इसे, लेखक ने सोचा इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और ये सब मर जाते तो देवता जो है इनका बाहे पसारे इंतजार कर रहे होते कि इस महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी तो जान दी साथ में दूसरों की भी जान ले गया, लेकिन टायर नहीं बदला। अब दूसरा घिसा टायर लगाकर बस चली और अब उन्होंने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, वक्त पर तो छोड़ दीजिए, उन्होंने सोचा कि अब शायद हम कभी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना क्या, ये सोचे कि हम तो पन्ना क्या, हम तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ना हम पीछे जा सकते हैं और ना ही हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, वो लगा कि बस इस जिंदगी, अब जितनी भी बची कुची जिंदगी है इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्रयाण, माने यहीं से हमको सीधा ऊपर ही जाना है। तो इस पृथ्वी पर उसकी और कोई मंजिल नहीं थी, हमारी बेताबी तनाव माने जो बेचैनी थी जो टेंशन था अब ख़त्म करना पड़ा एक तरह से, और इत्मीनान से उसी बस को अपना घर समझकर वो वहाँ बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक उनका चालू हो गया। तो बच्चों इस पार्ट में उन्होंने बताया है कि एक कंपनी का हिस्सेदार है जो जानता है कि बस की हालत कैसी है और इस तरह की खटारा बस में लोगों को नहीं लेके जाना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने बस के टायर नहीं बदले, उसको कभी नहीं चलाया। तो ये जो एक्सपीरियंस उनका था लेखक का हरिशंकर जी का, उन्होंने इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर व्यंग्यात्मक माने उन्होंने उन कंपनी के हिस्सेदारों जो बस मालिकों के ऊपर व्यंग कसा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो बच्चों इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़िएगा जरूर। धन्यवाद, आपका दिन।